नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान रोडवेज में आने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आपने देखा है कि लास्ट 2013 में राजस्थान रोडवेज में चालक और परिचालक की भर्तियां आई थी। अभी हाल ही में चालक और परिचालक की जो भर्तियाँ आएंगी उसमें लगभग 5200 वैकेंसी आएंगी। इसके लिए आपने कल की न्यूज़पेपर में एक खबर भी देखी होगी कि रोडवेज निगम में 9 साल बाद 5200 पदों पर भर्ती होगी, अगस्त तक प्रक्रिया संभव। तो मतलब अगस्त के या जुलाई के महीने में इसके फॉर्म आने वाले हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें सबसे पहले मेन बात आती है योग्यता के। योग्यता इसके लिए है 10th पास। राजस्थान रोडवेज में चालक और परिचालक के लिए 10th पास की योग्यता रखी गई है। अब दूसरी बात देखिए, जो रोडवेज का ड्राइवर चालक पद पे जो कैंडिडेट भर्ती होना चाहता है उसके लिए हैवी लाइसेंस आवश्यक है। तो जिन कैंडिडेट के पास में हैवी लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने पहले लर्निंग और वो लाइसेंस बनवा रखे हैं फर्स्ट प्रोसेस वाले, उसके बाद हैवी लाइसेंस में अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवा लें। हैवी लाइसेंस जिसके पास रहेगा वो ही चालक पद के लिए क्वालिफाई योग्य माना जाएगा। तो हैवी लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है। एज की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्थान रोडवेज की भर्तियों में न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष की है। अब भर्ती पिछले 9 साल से नहीं हुई है, इसलिए इस भर्ती में आयु में छूट दी जाएगी, लेकिन कितनी छूट दी जाएगी ये तो विज्ञापन आने पर ही संभव होगा। अब मेन बात ये दूसरी ये रही कि परिचालक अब पिछली बार क्या हुआ था कि आजकल इसमें रोडवेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों की भर्ती की जाती है, बॉयज और गर्ल्स। तो गर्ल्स की मेरिट काफ़ी कम रही थी। जिन्हें लड़कियों को परिचालक में जाना है या चालक में जाना है, जिनके पास हैवी लाइसेंस है और गाड़ी चलाना आता है, तो उनको चालक में भी भर्ती कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर जो अपन बोलते हैं परिचालक, जो सहायक होता है राजस्थान रोडवेज बसों में, उसके लिए उसको एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है जो राजस्थान रोडवेज विभाग जयपुर से वो बनता है। वो 15 दिन का या महीने का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है एक प्रकार का। तो लड़कियों को विशेष तौर से परिचालक के लिए वो डिप्लोमा अभी से प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पिछली बार इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम था, तो लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा चांस है परिचालक में। तो आपको बताया गया योग्यता 10वीं है, चालक के लिए हैवी लाइसेंस, परिचालक के लिए डिप्लोमा आवश्यक है परिचालक का, जो निदेशालय जयपुर रोडवेज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है एक ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद में। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पिछली बार इसमें 100 क्वेश्चन आए थे। तो पिछली बार इस भर्ती प्रक्रिया में 100 क्वेश्चन आए थे, 90 मिनट का टाइम दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो चेंज ज़्यादा नहीं होने वाली। तो इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे और सिलेबस में हिंदी आई थी, सामान्य 10th लेवल तक की हिंदी आई थी और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। साथ में ये चालक परिचालक की भर्ती है, तो कुछ जो सड़क के नियम हैं, ड्राइविंग जो रूल्स हैं, ट्रैफिक जो रूल्स हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। और मैथ्स आया था 10th लेवल का इसमें मैथ के क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग भी लगभग ऑल ओवर रीजनिंग जो है उसके लगभग टॉपिक के क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। इसके अलावा मेन भूमिका इसमें रही थी राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और करंट अफेयर्स का भी काफ़ी रोल इसमें रहता है। अब काफ़ी अभ्यर्थियों के दिमाग में रहता है क्या ये भर्ती सीटी के दायरे में है या सीटी से बाहर है। तो सीटी से इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, ये भर्ती सीटी से बाहर रखी गई है और इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का है। तो 10th लेवल के बेस की तैयारी कैंडिडेट को अभी से कर देनी है। इसमें हिंदी है, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान का और करंट, इसके अलावा करंट जीके के क्वेश्चन इसमें और मोटर ड्राइविंग के
और परिचालक के जो रूल्स होते हैं उससे संबंधित जो अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम जो बने हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें सिलेक्शन वही बच्चा देता है जो अभी से तैयारी के जुट जाता है, क्योंकि जब भी खबर आती है अखबार में उसके और निर्धारित जो महीना दिया जाता है उसमें लगभग गवर्नमेंट विज्ञापन जारी करती है। तो मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध रहेगा कि आधार क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ वाली इन्फॉर्मेशन शॉर्ट बिना किसी प्रकार का ज़्यादा टाइम लगाए हुए बताते रहेंगे। धन्यवाद।